गर्मी का मौसम अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आता है, जिनका समय पर इलाज न कराने पर वो घातक साबित हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे, साथ ही उनके लक्षणों की बात करेंगे, ताकि उनको पहचान करके जल्दी से उपचार लेके उनसे गंभीरता से बच सकते हैं। गर्मी के मौसम में होने वाली जो सामान्य बीमारियाँ होती है, उसमें होता है एक तो टाइफाइड एक प्रकार से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो दूषित खान पान के कारण से होती है। टाइफाइड होने पर व्यक्ति को बुखार आता है, थकान लगती है, कमजोरी होती है, पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, शरीर पर लाल लाल छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ये समस्या हो सकती है। इसके द्वारा हम टाइफाइड की पहचान कर सकते हैं। टाइफाइड होने पर हमें डॉक्टर से सलाह लेनी है और उपचार शुरू करा देना है। अत्यधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। टाइफाइड से बचने के लिए हमेशा साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, फलों को धोकर खाना चाहिए। आगे दोस्तों, गर्मी के मौसम के अंदर होने वाला एक और संक्रमण है, जिसको मीजल्स खसरा कहा जाता है। यह वायरस से होने वाली बीमारी है, जो बहुत तेजी से फैलती है। यह संक्रमित व्यक्ति जो है, जिसको मीजल्स हुआ है, उस व्यक्ति के खांसने या छींकने से ये फैलता है, और ज़्यादातर ये बच्चों में अधिक होती है। मीजल्स या खसरा होने पर तेज बुखार आता है, खांसी आती है, नाक बहता है, गले में खराश होती है, आंखें आ सकती है, सर दर्द होता है और लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। मिजल्स होने पर डॉक्टर की सलाह पर बुखार को कम करने वाली दवाई दे सकते हैं। एक गिलास गर्म पानी के अंदर एक चम्मच नींबू का रस और दो चम्मच शहद मिलाकर देने से भी इसमें लाभ पहुँचता है। मिजल्स होने पर विटामिन ए जो है, उसकी खुराक देनी चाहिए, इससे भी मुँह के छाले जल्दी भर जाते हैं। मीजल्स से बचने के लिए MMR का टीका होता है, यह अपने बच्चों को ज़रूर लगवाना चाहिए। ये टीका एक तो 9 माह पर लगता है, और दूसरा उसका डोज जो होता है बूस्टर डोज, वो 16 माह पर लगता है। मौसम में होने वाली एक और बीमारी है चेचक, जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं। इसे छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। चेचक एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जो ज़्यादातर बच्चों के अंदर होती है। यह 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा होती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने, थूकने से फैल सकती है। चिकन पॉक्स होने पर बच्चे में बुखार, सांस की तकलीफ, थकान, कमजोरी, खांसी, सिर दर्द, भूख कम लगना, लाल चकत्ते बनना और छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। ये छोटे छोटे दाने बाद में खोपोले बन जाते हैं और उसमें तेज खुजली होती है। लक्षण मिलने पर तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर के द्वारा दिया गया उपचार जो है, जैसे पैरासिटामोल, वो देनी चाहिए। खुजली के लिए कैलामाइन लोशन जो है, उसका प्रयोग करना चाहिए। खुजली के लिए ठंडे पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर स्नान कराना है, उससे उसको खुजली में राहत मिलती है। चेचक से बचाव के लिए चिकन पॉक्स का टीका होता है, वो लगवाना चाहिए। इसके भी 2 डोज रखती है। दूसरा डोज जो होता है, वो 98% तक इसकी सुरक्षा दे सकता है। मम्स या गलसुआ, गर्मियों में होने वाला एक और संक्रमण, जो कि वायरस के कारण से होता है और मुख्य रूप से लाल ग्रंथियों को प्रभावित करता है। मम्स होने पर चेहरे के एक या दोनों तरफ लाल ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, जिससे गाल फूले हुए लगते हैं, चबाने निगलने में कठिनाई आती है, बुखार आता है, थकान व कमजोरी होती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है। मम्स हो जाने पर तुरंत ही डॉक्टर की सलाह से पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन जो है, वो शुरू कर देना चाहिए। उसको खूब सारा तरल पदार्थ पिलाना चाहिए। मम्स होने पर खट्टे पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। बचने के लिए बच्चों को MMR का टीका अवश्य लगवाना है। अगला है दोस्तों, पीलिया या हेपेटाइटिस ए। ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है, जो कि दूषित खाना और पानी के कारण से होता है। इसके लक्षणों में शरीर जो है, वो पीला पड़ जाता है, खून की कमी हो जाती है, भूख कम लगती है, पेट दर्द होता है, आंखें, नाखून पीले हो जाते हैं, पेशाब भी पीला आता है, जी मिचलाता है, दस्त और बुखार भी आ सकता है। साफ सुथरा भोजन, पानी, साफ सफाई के द्वारा हम इससे बच सकते हैं। हेपेटाइटिस जो ए जो होता है, उसका टीका भी लगता है, वैक्सीन के द्वारा भी इससे बचा जा सकता है। गर्मियों के अंदर होने वाली एक और समस्या आई फ्लू या आँख आना है। ये आँख का संक्रमण है, जिसमें आँख की ऊपरी परत जो होती है, जिसको कंजक्टिवा कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। इसको कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई भी कहा जाता है। इसमें आँखें जो होती है, वो लाल हो जाती है, आँखों में सूजन होती है, जलन होती है, धुंधला दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, और आंखों से पुरुलेंट डिस्चार्ज भी हो सकता है, मतलब गाढ़ा द्रव जा सकता है। आई फ्लू होने पर डॉक्टर से संपर्क करके एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जो होते हैं, वो लेने चाहिए। आंखों को साफ पानी से धोना है, धूप के चश्मे पहनने हैं,
आंखों को हाथों से मसलना नहीं है, नहीं हाथों से छूना है, और तेज धूप में जाने से बचना है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में होने वाली सबसे आम समस्या है लू लगना। इसको हीट स्ट्रोक भी कहा जाता है। हीट स्ट्रोक के अंदर शरीर का तापमान जो है वो अचानक से बढ़ जाता है, और उसके कारण से बुखार आता है, थकान लगती है, उल्टी होती है, बेहोशी होती है, चक्कर आते हैं, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। लू लगने पर व्यक्ति को पर्याप्त पानी पिलाना चाहिए, तरल पदार्थों का सेवन कराना चाहिए। छाछ, दही, आम पन्ना, उसका सेवन फायदेमंद रहता है। लू लगना हीट स्ट्रोक पर पूरा वीडियो है, उसका लिंक आई बटन में दिया गया है, एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है गर्मी के मौसम में वो होती है फूड पॉइजनिंग की। गर्मियों में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है जो दूषित खाना या पानी के कारण से होती है। गर्मी की वजह से बैक्टीरिया आसानी से पनप जाते हैं, जिससे खाना और पानी दूषित हो जाता है। फूड पॉइजनिंग होने पर पेट में दर्द, दस्त, उल्टी, बुखार जैसे लक्षण आ सकते हैं। फूड पॉइजनिंग होने पर तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है, डॉक्टर को दिखाकर एंटीबायोटिक जो है वो लेना शुरू कर देना है। साथ ही अत्यधिक तरल पदार्थों का सेवन करना है। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए बाहर की खुली चीज़ों का सेवन या बासी खाने को नहीं खाना चाहिए। फलों और सब्जियों को अच्छे से धोकर खाना चाहिए। डिहाइड्रेशन, अत्यधिक गर्मी के कारण से शरीर में पानी पसीने के जरिए बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और उसके कारण से चक्कर, थकान, मांसपेशियों में दर्द, बेहोशी, त्वचा मुंह का सूखा होना, ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ढेर सारा पानी पीना चाहिए। प्यास नहीं लगी हो तब भी बीच बीच में पानी पीना चाहिए। साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी, फ्रूट जूस का सेवन करना चाहिए। गर्मी के मौसम में दोस्तों एक और चीज़ जो परेशान करती है वो होती है घमोरिया या रश। गर्मियों में शरीर पर लाल गुलाबी दाने निकल आता है, और इन दानों से बहुत तेज खुजली होती है। घमोरिया तब होती है जब पसीने की नलिकाएं बंद हो जाती है, पसीना त्वचा की सतह से बाहर नहीं निकल पाता, और ये उन जगह पर ज़्यादा होती है जो कपड़े से ढके रहते हैं। घमोरिया होने पर दोस्तों कैलामाइन लोशन का प्रयोग करना चाहिए। ठंडे पानी से स्नान करना है। स्नान करने के बाद त्वचा को हवा में सूखने देना है। हल्के ढीले सूती कपड़े जो है वो पहनने चाहिए। सनबर्न, तेज धूप में ज़्यादा देर तक काम करने के कारण से स्किन पर दर्दनाक चकत्ते बन जाते हैं तथा इसमें जलन होती है। सनबर्न के कारण से त्वचा में गुलाबीपन, लालिमा, जलन, दर्द, खुजली, सूजन, सिर दर्द, थकान भी हो सकती है। सनबर्न हो जाने पर डॉक्टर की सलाह पर दर्द निवारक दवाई ले सकते हैं। सनबर्न में ठंडे पानी से स्नान करना है। एलोवेरा लोशन जो है वो लगाने से इसमें फ़ायदा मिलता है। ठंडे पानी से भीगा हुआ कपड़ा जो है वो रखने से भी फायदा मिलता है। सनबर्न से बचने के लिए दोस्तों छाया में बैठो, सुबह 11 से 4 घर से बाहर नहीं निकलना है, पूरी बाह के कपड़े पहनना है, और सनस्क्रीन जो होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी गर्मियों के मौसम में होने वाली कुछ बीमारियाँ, जिनको समय पर पहचान कर उसका जल्दी से जल्दी उचित इलाज कराना ही बेहतर होता है, ताकि गंभीरता से बच सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।